हे आहे बीटीव्ही नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात चॅनल बी, प्रतिबिंब जनमनाचं। नमस्कार, संवाद प्रतिवाद या आमच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। विज्ञान म्हणजे नेमकं काय असं मला एकाने विचारलं होतं, तेव्हा मी असं उत्तर दिलं होतं की विज्ञान म्हणजे सतत नाविन्याचा शोध घेत राहणं किंवा आपल्याला जे माहीत नाही आहे, जे अनाकलनीय आहे, त्याचा शोध घेणं म्हणजे सुद्धा विज्ञान, अशी एक डेफिनेशन किंवा अशी एक व्याख्या होऊ शकते। अनेक गोष्टी अशा असतात की ज्या आपल्याला माहीत असत नाहीत आणि म्हणून आपण सरसकट त्यांना अंधश्रद्धा पण म्हणू शकत नाही। मला हे नक्की माहिती आहे की श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा याची बॉर्डर खूप धूसर आहे। आपल्याला एखाद्या गोष्टीचा वैज्ञानिक स्तरावरती अभ्यास केलाच पाहिजे, विज्ञानाच्या स्तरावरती जाऊन ती गोष्ट समजून घेतलीच पाहिजे, पण अशा काही गोष्टी असतात की ज्या आपल्या पूर्वापार चालत आलेल्या आहेत आणि त्याला आपण बऱ्याचदा अंधश्रद्धा म्हणूनही मोडीत काढतो। खरं तर भारतीय संस्कृतीनं दिलेले आचार विचार, आपले ग्रंथ उपनिषदं वेद ही प्रचंड मोठी एक आपली संपदा आहे, आपली एक खऱ्या अर्थानं संपत्ती आहे आणि या सगळ्या आपल्या भारतीय संस्कृतीचा आपण खऱ्या अर्थानं अतिशय प्रामाणिकपणानं अभ्यास करतो का हे तपासण्याची वेळ आलेली आहे। आयुर्वेदाला आता संपूर्ण जगभर मान्यता मिळत चाललेली आहे। आयुर्वेदाचा कसा उपयोग होतो हे मी सांगायची आता गरज नाही आहे, कारण अनेक त्याच्यावरती रथी महारथी काम करतायत, अभ्यास करतायत आणि आता काळाच्या ओघात सिद्ध झालेलं आहे की आयुर्वेद किंवा आपलं योगशास्त्र हे मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे। आज एका वेगळ्या शास्त्राविषयी आपण बोलणार आहोत। मुळात हे शास्त्र आहे का हे सुद्धा मला समजून घ्यायचे, जाणून घ्यायचे, ते आहे रंग आणि अंक चिकित्सा। म्हणजे काय? तर रंगांवरून आपल्या व्याधी बऱ्या होऊ शकतात, रंगांच्यामुळं किंवा अंकांच्या विशिष्ट रचनेमुळं आपले आजार बरे होऊ शकतात असं सांगणारे एक महनीय आज आमच्या स्टुडिओमध्ये आले आहेत। मी आमच्या स्टुडिओत स्वागत करतो पृथ्वी डावरजी यांचं। नमस्कार। पृथ्वीजी हरियाणातले आहेत, गेली काही वर्ष ते मुंबईत राहत आहेत, मराठीपेक्षा हिंदीमध्ये त्यांना बोलणं अधिक सोयीचं जाणार आहे, त्यामुळे आज त्यांच्याशी हिंदीत बोलणार आहे आणि त्याचबरोबर आज याच क्षेत्रामध्ये काम करणारे त्यांचे सहकारी म्हणा किंवा या अंक आणि रंग चिकित्सा जी आहे त्याच्यासाठी लागणारं जे काही मटेरियल आहे ते मटेरियल जे पुरवतात असे श्री चौधरी, आपलं शुभ नाम किशोर चौधरी आज आलेले आहेत। दोघंही कोल्हापुरामध्ये जे काही नॅचरोपॅथीचं एक सेमिनार झालं त्या सेमिनारच्या निमित्तानं कोल्हापुरात आले आणि एका वेगळ्या विषयावरती ते बोलले आणि म्हणून आम्ही त्यांना आज मुद्दाम विनंती केली की आमच्या स्टुडिओत या आणि हा जो काही एक वेगळा विषय आहे हा आमच्या सगळ्या प्रेक्षकांपर्यंत जाऊ दे। आप दोनों का तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी ये जो रंग एवं अंक चिकित्सा है जी, ये क्या है मुझे मालूम नहीं है, हमारे कई प्रेक्षकों को मालूम नहीं है, तो पहले मैं डावर जी आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं कि ये चिकित्सा है क्या और इसका मानवीय स्वास्थ्य के लिए क्या फायदा होता है। ये ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं शरीर में चल रही है, ब्रह्मांड में ऊर्जा हम पंच तत्व का शरीर और पंच तत्व की पूरी ऊर्जाएं मानते हैं, विंड हीट हॉटनेस ह्यूमिडिटी ड्राइनेस कोल्डनेस, जिसे हम भगवान कहते हैं, भा भूमि गा गगन वा वायु आ अग्नि ना नीर, भगवान की वही सृष्टि की पूरी कायनात हमारे शरीर में है और इसके शरीर के अंदर जो काम करने वाले ऑर्गन हैं वो भी उसके साथ, जो ज़्यादा जिसमें एनर्जी रिलेटेड है उसको ही उसको हमने माना है और उसके विभाजन किए गए हैं शरीर में कि कौन सा एरिए में कौन से शरीर के अंग का ज़्यादा विस्थापित हो रहा है उसके अनुसार ही उसके उपचार का निर्धारण किया गया है और वही एनर्जी हम उसी के ही अनुरूप हम उसका विभाजन हाथ पर देख रहे हैं। हम मीन्स जैसे कि आपने कहा कि जो हमारी ये जो पंच तत्व है जी, वो पंच तत्व का आपने उसको एलिबरेट करके जी आपने उसे अभी आठ अंकों में उसको बनाया है। क्लियर, ठीक है। हमने वो आठ अंक क्या है हमें बताइए जी। हम जैसे विंड को मानते हैं लीवर गॉल ब्लैडर के साथ, वो एक नंबर पे, अंधकार से सब कुछ निकला है, अंधकार में समाप्त हो जाएगा। उसका कलर क्या है मैं बताता हूँ। जैसे अंधकार में से हमने माना कि लाइव और नॉन अलाइव, जिंदा और मुर्दा, दो चीजें बाहर आई। जिंदा जो है वो प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति में हमने बाद में देखेंगे, पुरुष में हमने वात पीत कफ, तीन
तीन विभाजन किए, वात पित्त कफ को हमने पंच तत्व में देखा। पंच तत्व में क्या था? भा भूमि गा गगन वायु वा वायु वा अग्नि नानीर। लेकिन इसके अंदर अग्नि का जो एक तत्व था उसमें ताप भी था। अच्छा, तो ताप में हमने क्या देखा कि अग्नि विंड जो थी, हमें अभी इंग्लिश में बताना पड़े तो विंड लीवर गॉल ब्लैडर के साथ है, हीट हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ है, हॉटनेस हमारा ब्रेन और स्पाइन के साथ है, और लाइटनेस और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी में स्प्लीन और स्टमक है, और लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन हमारा ड्राइनेस है धातु से, और कोल्डनेस हमारा किडनी यूरिन ब्लैडर से। इस तरीके से जो काम करने वाले अवयव हैं उनका विभाजन ऊर्जा के अनुसार करने के बाद हमने शरीर पर उसका विभाजन देखा कि उसका ट्रीटमेंट बाहर हाथ के ऊपर कैसे किया जाएगा। उसका विभाजन हाथ पर किया गया, यानी आप जो ट्रीटमेंट करते हैं वो सिर्फ हाथ के ऊपर करते हैं, सिर्फ हाथ पे ही होगा। यानी शरीर में कहीं भी कोई भी बीमारी हो, व्याधि हो जी, तो उसके लिए जो आपकी ट्रीटमेंट की पद्धति है वो हाथ पे होती है और कलर्स के साथ होती है और ऑन द स्पॉट होती है। अच्छा, मतलब एक घंटे में बुखार उतर जाना चाहिए। अच्छा, दो मिनट के अंदर डायरिया बंद होना चाहिए, रंग लगाने से लूज मोशन दो मिनट में बंद होना चाहिए, और हमें अभी आंखों से पानी आ रहा है वो दो मिनट में बंद होना चाहिए। अच्छा, इतना तेज इसका इफेक्ट है। अभी जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ जी, मुझे खुद को एक बीमारी है, वो है आंखों से पानी आ जाता है, तो आप उसमें क्या, उसको इलाज क्या कर सकते हैं? मैं मला वाटतं आपण एक हित प्रात्यक्षिक घेऊन बघूया की डोळ्यात जर पाणी येत असेल ते कसं थांबू शकतं? माझ्या डाव्या डोळ्यातून पाणी येत आहे। अभी मैं आपको बात करते करते दो मिनट के बाद पूछ लूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक माझ्या या बोटावरती एक फक्त इथं रंग लावलेला आहे आणि या रंगामुळे माझ्या डोळ्यातलं पाणी कमी होईल, थांबेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे। ट्रीटमेंट हमारे कई प्रकार के हैं, जैसा रोग आता है। अच्छा, तो अभी हमें मान लो बुखार है, बुखार है तो हम ये नीला रंग है हमारे हाथ में, और वैसे तो बुखार को एक मिनट में उतारना हो जी, 103 बुखार है और एक मिनट में उतारना हो, तो हमारी इस जो हड्डी उठी हुई है उसके पास में यहाँ पर केवल एक मिनट अगरबत्ती या धूप से सिकाई करेंगे तो बुखार तुरंत निकल जाएगा। आप जो बोल रहे हैं इसको साइंटिफिक बेस क्या है? साइंटिफिक क्या है कि ये TCM के अनुसार UB23 पॉइंट नंबर आता है, तो UB23 हमारा इतना मल्टीपल काम करने वाला पॉइंट है, इसके ऊपर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो यहां से हम बहुत तेज इसका इफेक्ट बॉडी के अंदर देखते हैं। तो ये हमें केवल दो मिनट के लिए इसके पास अगरबत्ती या धूप कोई भी सिकाई करते हुए आंच इसकी अंदर इस पे जाएगी तो आप देखिए कि किसी का कोई फाइनल मीटिंग है या कोई टेस्ट है और उसका डिस्टर्ब हो रहा है, साल की मेहनत बच्चे की जा रही है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, सिर्फ एक मिनट में उसका बुखार उतर जाएगा। जी, अभी मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ, शूटिंग चल रही है, आपके साथ बात करते हो मुझे खांसी आ रही है। ठीक है, इतने साल से मैं ये शो कर रहा हूँ लेकिन मुझे बोलते हो कभी खांसी नहीं आती, अब आज मुझे खांसी आ रही है। खांसी क्या है? इसके लिए आप सिर्फ आपको यहाँ पे दोनों उंगली छूनी है, मेरे को भी नहीं छूना, अपने हाथ को अपने हाथ पे छूना है, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर, सिर्फ हाँ जोड़ के ऊपर, इस जोड़ के ऊपर जैसे मैंने छुआ तब दूसरी को दूसरी आपस में उंगली मिलेगी नहीं, मतलब यहाँ ये सेंटर में और यहाँ सेंटर में। अभी आपको खांसी आ रही थी, ठीक है ना, अभी आपको सिर्फ लूज समझना है कि अभी मेरे को फील करना है कि खांसी आ रही है कि नहीं आ रही। खरं सांगतो आता खोकला येत नहीं है, मैं तो जिंदा हो गया। नहीं, मी कबूल करतो, मान्य करतो कि माझ्या घशामध्ये जे खवखवत होतं, मला जी खोकल्याची उबळ येत होती ती कमी झालेली आहे। ये प्रमाण मेरे को देने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मैं लाखों पे एक्सपेरिमेंट हो चुका है। पण मग हा आता जो आपण एक्सपेरिमेंट केला याच्यामध्ये अक्यूप्रेशर किंवा अक्यूपंक्चरचा काही आहे का? नहीं नहीं नहीं, अक्यूपंक्चर अक्यूप्रेशर नहीं है, ये है एनर्जी का ट्रीटमेंट। ये एनर्जी से आपकी तुरंत उसका एनर्जी बैलेंस हो जाता है जो बाहर आ रही, इसमें छींके आ रही हैं जी, या वोमिट आ रही है, हाँ। या हमारा ये खांसी आ रही है, उसका तुरंत उपचार है। म्हणजे खोकला, शिंका किंवा उल्टी कोई अशा तीनही व्याधींवरती कुछ भी अंदर से बाहर आ रहा है, हिचकी भी आ रही है। अच्छा, उसको केवल आपने यहाँ पे छूना है और स्टेज पे बैठे हुए ये इफेक्ट दिखा सकते हैं लोग, और मान लो सांस ही किसी का उखड़ रहा है,
ऑक्सीजन ही नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है तो ये हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे है राइट राइट की लेफ्ट हैंड में, हाँ ये जगह पे आपने जहां पे उंगली डाउन होना चालू होती है यहां पे उंगली छूनी है। लेडीज को ऐसा छूना है और जेंट्स को ऐसा छूना है, उंगली के अंदर ध्यान रखना है। अच्छा, जब अगर आपने गलत छुआ तो एकदम सांस बिगड़ेगा और आपने इसको उंगली बदल देनी है। अगर आपको 2-3 मिनट के अंदर फायदा नहीं हो रहा तो पूरी बॉडी को थोड़ा सा मसल लीजिए फिर लगाइए, और इसका इफेक्ट आपको तुरंत ऑक्सीजन नहीं चढ़ाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है रात बरात आपको कहीं चलते हुए या कहीं ऐसे पहाड़ों पे हैं या कहीं ऐसे मौसम में हैं कि आपको इसका फायदा लेना हो। पल्स बिगड़ जाती है बॉडी में हार्ट की, तो यहाँ पे आपको छूना पड़ेगा, वही उंगली से आपको यहाँ पे छूना पड़ेगा जहाँ पे उंगली झुकना चालू करती है। मतलब इसके अंदर 3 धाराएं बह रही हैं, एक इधर है, एक इधर है, एक बीच में, तो आपको खाली इस पे छूना है। अच्छा, तो ये पल्स, जिसको पल्स की पुरानी तकलीफ है, समझो 6 महीने से भी 2 साल से भी कोई पल्स ही किसी की बिगड़ी हुई है, तो पल्स आपको कैसे ठीक करना है हार्ट की ऑन द स्पॉट, ये 2-3 मिनट से ज्यादा देना भी नहीं है। मराठी मध्ये एक म्हण आहे, तुझे आहे तुझे पाशी, म्हणजे यांची जी थेरी आहे किंवा थेरपी आहे त्यानुसार आपल्याच शरीरामध्ये आपल्याला बरं करणारे, आपल्या व्याधी मुक्त करण्यासाठी आपल्या शरीरामध्ये तशी एनर्जी आहे। अपने आपको अपने आप ठीक करने के लिए अपना ही हाथ अपने हाथ को छूना है, किसी को दूसरे को नहीं। लेकिन इस थेरेपी को आप क्या बोलते हैं, इसमें रंगों का, इसमें रंगों का नहीं इलाज, इसमें टच थेरेपी का काम है। अच्छा। ये टच थेरेपी जो है ये बहुत तेज काम करती है, इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। मेरे को सिर में दर्द हो रहा है तो मैं यहाँ पे छूंगा ठीक हो जाएगी। अच्छा, अगर मेरे को सामने से कौन से फिंगर को, ये लंबे वाली उंगली के, हाँ, इधर झुकने वाली जगह पर इधर मैं छूंगा, ये आप YouTube में डालते हैं ना तो रिकॉर्डिंग रहेगी, सब देख सकेंगे, तो ये यहाँ पे छूंगा तो ये खाली छूने से बढ़ गई, तो आपने उंगली बदलनी है और कुछ नहीं करना। लेकिन आप जो अभी मुझे बता रहे हैं, ये इस तरीके से अगर हर कोई इंसान खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अगर व्याधि मुक्त हो जाता है तो जो बड़ी बढ़िया कंपनियां जो है जो इतना सारा एडवर्टाइजमेंट पे ये दवाई ली, ये एक गोली ले ली तो हमारा सरदर्द गायब हो जाएगा, तो उनका फिर क्या हो जाएगा होगा? मैं इतना सा जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन जो जानता हूँ ये यही सब जानता हूँ कि इसके साथ कुछ फायदा हो सकता है। ये आप जो बोल रहे हैं ये थेरेपी, ये भारतीय संस्कृति की देन है, ये सिर्फ प्योर भारतीय है और इस भारत में ही पनपी और बड़ी हुई है, और अब इसका इस लेवल में दुनिया को गुरु लेवल में ये हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है। मैं चौधरी साहब आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे कि अभी दावर सर ने कह दिया कि ये जो थेरेपी है ये बेसिकली इंडियन है, भारतीय संस्कृति की ये देन है। हाँ। आप पिछले 15 साल से इसमें इस प्रकार की थेरेपी जो है, हाँ, इसके लिए जो मटेरियल जो लगता है, हाँ, वो आप लोगों को सप्लाई करते हैं, आपको लोगों से क्या फीडबैक मिले है? जी सर, 15 से 20 साल मुझे डायरेक्ट रूप से पूरे भारत में घूमते हुए हो गया, बहुत सारे नेचुरोपैथी योगा का और पद्धतियों के जो सेमिनार होते हैं मैं जाता हूँ, लोगों को सुनता हूँ और समझता हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं फिर भी आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग अपनी खुद की पब्लिसिटी करके बढ़ जाते हैं, और अच्छे लोग जो जानते हैं वो उनको नहीं पता कि पब्लिसिटी भी कुछ चीज़ है, लेकिन वो उनको अपनी दुनिया में वो मस्त रहते हैं और उनको दुनिया की पड़ी नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ, उनमें से आज पृथ्वी डावर जी हैं। लेकिन डावर, हाँ, जी आपको कहाँ मिले? जी मुझे वैसे तो 15 साल से जानता हूँ, लेकिन 5 साल पहले हम कहीं मैं स्टॉल लगा के कहीं बैठा था, सामने आप बैठे थेरेपी दे रहे थे, तो एक मजदूर था जो अपना वहाँ काम कर रहा था टेंट हाउस का, तो उसको कुछ इन्होंने थेरेपी दिया, वो आके मेरे को बोला सामने क्या कर रहा है, मुझे लगा ये ऐसा क्यों पूछ रहा है, मैंने बोला भाई क्यों थेरेपी है उसका, अपना काम कर रहे हैं। बोले मेरा 20 साल का दर्द ठीक हो गया कमर का, मैंने बोला होता है, तो तब से मैंने इनको थोड़ा वो समझने की शुरू किया, मैं घुमा समझा देखा बहुत, लेकिन कभी इतना सोचा नहीं कि इसमें इतने चमत्कार होते हैं। तो अभी हम डावर जी के साथ मिलकर पिछले 4 साल से एक और ये सब डाटा इकट्ठा करके तो बड़ी विजन के साथ प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके साथ आप बढ़ेंगे आगे। लेकिन ये जो अभी रंग और अंक चिकित्सा, हाँ, है, ये सर ने कहा कि पूरा भारतीय संस्कृति का ही है, हाँ, आप जहां भी जाते हैं तो इसके ऊपर लोग विश्वास रखते हैं? मैंने बहुत सारे अनुभवी लोगों से सुना है कि अपने देश की पुरानी बहुत संस्कृति है ये,
तो यहाँ पर इतना विकास होता था लेकिन थोड़ा स्लो था। यहाँ से बाहर गई तो यहाँ की चीज को महत्व दिया गया और चाइना में खास करके इसको डेवलप किया, और उन्होंने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के नाम से TCM करके उन्होंने थेरेपी पंक्चर भी लाया और थोड़ा किया, लेकिन उन्होंने कलर थेरेपी को डेवलप नहीं किया था। तो कलर थेरेपी के ऊपर मैंने देखा है कि बहुत सारी बुकें हैं लेकिन इतनी आसान बुक कोई नहीं है जो इन्होंने रेडी रिकनर बुक एकदम बना दी, डावर साहब ने जो बना दी है। ये जो इसमें मेरे हाथ जैसा में दिया हुआ है वैसा करने से नहीं, म्हणजे ही ही हे जे पुस्तक आहे या पुस्तकामध्ये रंग आणि अंक या दोन्ही थेरपी बद्दल माहिती दिलेली आहे। हे पुस्तक नेमकं काय याच्याबद्दल मी नंतर माहिती घेणार आहे, पण आता ज्या पद्धतीनं चौधरी सरांनी सांगितलं की अतिशय साध्या सोप्या पद्धतीनं आपण घरगुती उपाय म्हणून, आणि ज्याला आपण म्हणतो की आता जसं मग सांगितलं की मला आता ताप आलेला आहे आणि मला ताप आल्यानंतर मला एका पुढच्या 15 मिनिटांमध्ये मला परीक्षेला जायचं आहे, मला डॉक्टरांकडे जायला वेळ नाही आहे, तर अशा वेळेला मी काय करू शकतो। हा कार्यक्रम सुरू करण्यापूर्वी आमच्या बी न्यूजच्या कार्यालयातील अनेक माझ्या सहकाऱ्यांनी आज याच्याबद्दलचा अनुभव घेतला आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की खरोखर या रंग थेरपीचा उपयोग होतोय, आणि मी खरं तर कोणत्याही थोतांडावरती विश्वास ठेवत नाही, अंधश्रद्धा मानत नाही, निव्वळ आणि निव्वळ सायंटिफिक किंवा विज्ञानाधिष्ठितच विचार केला पाहिजे असं माझं व्यक्तिगत मत आहे, धारणा आहे। पण मला पण आता असं जाणवं लागलंय की यांनी जो हा एक रंग इथं माझ्या बोटावरती लावला त्यानंतर माझ्या डोळ्यातून पाणी येण्याचं प्रमाण खूप कमी झालेलं आहे, हे त्याचा मला एक पॉझिटिव्ह रिझल्ट आत्ता आलेला आहे। मैं डावर सर आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी चौधरी सर बोल रहे थे कि आपने एक किसी मजदूर को एक कुछ ट्रीटमेंट दी और उसके बाद उसकी पेन गायब हो गई, जैसे उन्होंने कहा कि चमत्कार, आप इसे चमत्कार मानते हैं या विज्ञान मानते हैं? ऐसा है, हम राधा रानी जी के भक्त हैं। किसके? राधा रानी जी के भक्त हैं हम। अच्छा, और मैं ये समझता हूँ ये प्रभु की कृपा से ही, राधा रानी की कृपा से ही मुझे ये जो प्रसाद मिला है ये सब बांटने के लिए मिला है। आपने इसका अभ्यास कहाँ से किया और इसमें आपके गुरु कौन है? ऐसा है, जो गुरु ने दिया था वो तो उसी चीज को हमने समझते समझते इसको यहाँ तक समझा है, लेकिन हमने इतना अभी भी बहुत कम समझा है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है और ये ऑल ओवर इंटरनेशनल इंट्रोड्यूस हो चुका है और लाखों लोग इसमें फायदा ले रहे हैं। ये इंटरनेशनल है और इंटरनेशनल ऑलरेडी ही लाखों लोग इसका फायदा ले रहे हैं और यहाँ इंडिया में भी लाखों लोग ले रहे हैं। नहीं, लेकिन ये रंग और अंक चिकित्सा है, ये नेचुरोपैथी का ही एक अंग है। नेचुरोपैथी के अंदर, क्योंकि नेचुरोपैथी में अभी जैसे कि सुजोक आता है। जी हाँ जी हाँ, सुजोक का ही एक अंग है ये। रेकी आता है, सुजोक का ही ये अंग है। अच्छा, इसके अंतर्गत ही हम लोग, असल में सुजोक में लगभग 25 थेरेपी और आती हैं, लेकिन सब में साधारण जो है वो ये है कि रंग लगाकर ही हम बुखार ठीक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो हाई को, डायबिटीज को, या कोई पॉइंट्स पे आपको घुटने में कमर में दर्द आई, रात को छींकें ज़्यादा आ रही हैं, या पेट में दर्द आई है, तो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या कहीं मेरे खुद TB का पेशेंट था, एक दम TB ठीक हो गया। अच्छा, मेरे को किडनी ठीक फेल हो रही थी, अपने आप घर में ठीक की। ऐसे करके मेरे को इंटेस्टाइन में पूरा ऐसा पानी भर गया था जो जलोदर कहते हैं, जिसमें लीवर फेल होता है। मैंने रात को 2 बजे फील हुआ, 1 घंटे में उसका फील ठीक करके आराम से सो गया। तो ये चीज जब जान लिया तो इसको एनर्जी को देखा, वो एनर्जी से हम आप हर एक को इसका लाभ लेना चाहिए। हम कोई ऐसा नहीं है कि हम अलग हैं, हम भी आपके हिस्से हैं। जो गरीब आदमी है, जो बेचारे आज नहीं अफोर्ड कर सकते इतना मेडिकल, इतने जी, सारे जी, टेस्टों में आज पैसा चला जाता है, इतना लोगों का समय जाता है, उसमें अगर किसी का भला हो जाए तो हमें अपने पेट को पालने के लिए अब दूसरे का पेट नहीं काटना चाहिए। लेकिन आप जो अभी जिस तरह से ये रंग और अंक की चिकित्सा करके लोगों को व्याधि मुक्त करते हैं, तो उसके लिए कितना पैसा चार्ज करते हैं? मैं व्याधि मुक्त नहीं करता हूँ, ये सिर्फ अंक की पद्धति जो समझ लेते हैं वो घर पे करते हैं, मेरे से कुछ भी खरीदना बेचना मेरे को कुछ नहीं है। यानी आपकी फीस कोई भी कुछ रहती है? कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ ये सब के अभी ये साहब ले आए। ये जो विज्ञान है, ये जो ज्ञान है, इसका प्रचार प्रचार होने के लिए आप काम कर रहे हैं? ये सब मेरे को कुछ नहीं है, ये सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, ना मैं कुछ हूँ, ना मैं करने वाला हूँ, ना कराने वाला हूँ, ये सारा कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है। हम काय आहे, हा एपिसोड बघितल्यानंतर कोल्हापुरातील अनेक प्रेक्षक आमच्याकडे तुमचा नंबर मागतील, तुमचा मोबाईल नंबर विचारतील आणि ते तुमच्याकडनं सल्ला घेऊ इच्छित असतील, किंवा त्यांना त्यांच्या ज्या काही व्याधी आहेत,
किंवा त्यांचे जे काही आजार आहेत त्याच्याबद्दल तुमचा सल्ला, तुमचा ॲडवाईस त्यांना पाहिजे असणार आहे, अशावेळी तुम्ही त्यांना कन्सल्टिंग फी घेणार की नाही? मेरे पास जितनी मेरे पास ऊर्जा है, जितना मैं सेवा कर सकता हूँ उतना तो मैं करूँ, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी से है। हम अभी आपको कैसे, क्योंकि मैं अभी बंबई, मला वाटतं चौधरी साहेब तुम्ही याबद्दल सांगू शकाल, तुम्ही आतापर्यंत ठिकठिकाणी देशभर फिरता, या सुजोगच्या अंतर्गत ज्या काही या रंग आणि अंक चिकित्सा आहे याचा प्रसार प्रचार करता, तुम्ही नेमकं कोणकोणतं साहित्य, क्या क्या मटेरियल आप लोगों को देते, और आपका अनुभव जो है इसमें कौन कौन से व्याधि को इस चिकित्सा का फायदा हुआ है, लाभ हुआ है? जी सर, ये नेचुरोपैथी का ही प्राकृतिक चिकित्सा का पार्ट है। योगा करेंगे तो अच्छा है, लेकिन लोग योगा करते नहीं है, तो हमारे पास जो साहित्य है वो माइक्रो योगा के प्रोडक्ट हो गए, जो लकड़े के, प्लास्टिक के, कपड़े के, लोह चुंबक के बने रहते हैं, उनको 5 मिनट 10 मिनट रोज वापरने से शरीर निरोग रहता है। ये आप दावे के साथ कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, दावे के निरोग रहता है, ऐसा रिजल्ट है। और हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, मेडिसिन नहीं लेते हैं, नहीं के बराबर, बहुत कम, माइनर, 5 साल में एक बार कोई तकलीफ हो गया तो सिर दर्द होता तो दवाई नहीं लेते हैं, डावर जी को पूछते हैं या और इनके जैसे और लोग हैं उनको पूछते हैं और कोई देख के भी कर देते हैं, तो फायदा होता ही है। अच्छा। लेकिन मेरे अलावा मेरे कोई स्टाफ दूसरे इतना वो समझते हैं कि नहीं समझते, उनकी इच्छा पे है, तो आधे लोग करते हैं आधे लोग नहीं करते, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी है अपने भारत की सबकी है। ठीक है ना, मला असं वाटतं की कोणताही आजार बरा होत असताना आपली सायकोलॉजी, आपली मानसिकता पण अत्यंत महत्त्वाची असते, म्हणजे आपण जर एखाद्या गोष्टीवरती विश्वास ठेवून जर ती गोष्ट केली तर त्याचा रिझल्ट आपल्याला लवकर मिळतो। अभी मैं आपको बुखार के बारे में बता रहा हूं कि रात को अगर बुखार आ जाता है या सुबह बुखार आ जाता है, और समझो वहां डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, नहीं मतलब आप हॉस्पिटल में है, मान लो डॉक्टर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप अपना बुखार तो -19 +23 ये ऐसा हाथ पे बार बार लिख दीजिए, नीला रंग से अगर नहीं मिले स्केच पेन, मार्कर पेन, तो आप अपने बॉल पेन से भी, इस पेन से भी लिख सकते हैं, और उसके ऊपर ब्रैकेट लगा दीजिए, आप एक बार लिखें या 100 बार लिखें, अलग लिखेंगे तो अलग -19, अगर -19 +23 इकट्ठा लिखेंगे तो इकट्ठा ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो ये ब्रैकेट लगा दीजिए हाथों पे, उंगलियों पे आप लिख दीजिए, 1 घंटे के अंदर बुखार उतर जाना, ये आराम से आप खुद इस बात का -19 +23 इसका फॉर्मूला क्या है, बुखार से इसका क्या मतलब है? ये ब्रह्मांड के अंदर जो ऊर्जा मैं बता रहा था आपको, विंड, हीट, हॉटनेस, लाइटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, ये हमारा ब्रह्मांड की ऊर्जा और शरीर की ऊर्जा का एक विभाजन किया गया है कि कौन सी ऊर्जा कम हुई है, कौन सी ऊर्जा ज्यादा हुई है, उस ऊर्जा के आधार पर ही इसका प्रोटोकॉल सेट किया गया है। और वो इसके अंदर आप रात को बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर रहा है, या डायबिटीज वाला कोई ज्यादा बार बार, या सर्दी में आपको बार बार उठना पड़ता है पेशाब के लिए, आप केवल हल्दी लगा दीजिए यहाँ पर, ये पीला रंग लगा दीजिए, हल्दी लगा दीजिए, आप रात को ही उसका असर देखिए कि बिस्तर पे बच्चा पेशाब करना बंद कर देता है। इन्फेक्शन हो गया प्राइवेट पार्ट पे, यहाँ काला रंग लगा दीजिए, लेडीज को कोई इन्फेक्शन है अंदर प्राइवेट पार्ट पे तो यहाँ पे काला रंग लगा दीजिए। इस किताब में ऐसी 200 अगर सिस्ट है बच्चेदानी में और उसका भी उसी में आपको फायदा हो जाएगा। अगर ऐसे ही हम इस प्रकार से एसिडिटी है तो काला रंग लगाते हैं, यहाँ पर काला रंग लगा दीजिए, अगर स्किन की कोई तकलीफ है तो हम ये लाल रंग को खाली आप यहाँ पे लाल रंग लगा दीजिए, अब जिससे वाइट पूरे पैच आ गए तो आप यहाँ पे भी लाल रंग लगाइए। हाँ 1-2 साल लगेंगे उसके लिए। इस रंग का और उस व्याधि का क्या संबंध है? और जैसे कि मैंने पूछा कि आप जो अंक बोल रहे हैं तो अंक -19 +23 ये लिखने से आपका दावा है कि बुखार कम हो जाएगा? मेरा दावा नहीं है, मेरा अनुभव है। लेकिन इसको कोई साइंटिफिक बेस है? हाँ, साइंटिफिक बेस तो है। मैं बार बार वही पूछना चाहता हूँ, मैं साइंटिफिक के बिना तो एंट्री नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे को भी कोई भी एलोपैथी का डॉक्टर ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं खुद भी देखिए, आपको अगर 1 गिलास पानी मिलेगा तो आप मान लो 1/2 गिलास है पानी तो आप उसे कहेंगे इसमें 1/2 गिलास पानी, और मैं कहूंगा भैया 1/2 गिलास खाली है। तो ये आपका विजन है और मेरा विजन है। इसी हाथ को आप आयुर्वेद के हिसाब से देख रहे हैं, यूनानी के हिसाब से देख रहे हैं, या कहीं वास्तु के हिसाब से देख रहे हैं, या ग्रह राशि के हिसाब से देख रहे हैं, मैं इसका एनर्जी लेवल में डिवीजन देख रहा हूं,
और उस एनर्जी लेवल के अंदर इसके अंदर इतना पूरा साइंस छुपा हुआ है अपने सिर्फ हाथ पे, हाथ पे यानी पूरे शरीर की जो सिस्टम है हाँ, उससे सारी सिस्टम का एक कनेक्शन हाथ में है, पूरा का पूरा ये हाथ एक हमारा डैशबोर्ड है। आपको इतने बड़े कमरे में एक बटन का पता है, उसको बटन दबाते ही पूरी लाइट हो जाती है। आपको इस बटन इसके अंदर एक उंगली में 1000 पॉइंट है। मैं इसको स्टूडियो में कैसे समझाऊं, लेकिन ये समझाना इतना हमारे को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बड़ी बात हो गई। हम सिर्फ इस पॉइंट्स के ऊपर आप ऑपरेट कैसे करना है एक आम आदमी को, उससे काम है। हा अत्यंत इंटरेस्टिंग विषय है। मला ब्रेक सुद्धा घ्यायची इच्छा नाही आहे, मी ब्रेक न घेता एपिसोड करणार आहे। मला एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारायचा आहे डायव्हरजी आपल्याला, की तुम्ही आत्ता जे सांगताय त्यानुसार तुमचं म्हणणं आहे की इन्स्टंट रिझल्ट मिळतो, बरोबर? म्हणजे ताप असेल तर ताप कमी होईल, पोटात दुखत असेल तर पोटदुखी थांबेल, जर डोकंदुखी असेल तर डोकंदुखी थांबेल। तुम्ही तर आत्ता मला सांगितलं त्यानुसार कोलेस्ट्रॉलपासून ते शुगरपर्यंत आणि बी पीपासून ते अगदी आपल्या त्वचेच्या विकारांपर्यंत सगळ्यावरती तुमच्याकडे उपचार आहेत। समजा आपल्याकडे नेहमीचा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे हमारे ह्या जो काफी दिन से बढता जा रहा है, वो है कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटॅक। हार्ट अटॅक दिन ब दिन बढता जा रहा है। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना है, उसके सिम्टम्स दिखने लगे हैं, यानी उसको पसीना आ रहा है, उसको यहाँ सीने में दर्द हो रहा है, तो ऐसे हालत में भी आपकी जो थेरेपी है वो उसके ऊपर काम कर सकती है, क्योंकि हार्ट अटैक ये जानलेवा बीमारी है। उसमें अगर हमने ज़्यादा वक्त वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया, तो हमारी जान जा सकती है। तो आप मुझे पूरी जवाबदारी के साथ मुझे बताइए कि हार्ट अटैक जैसे बीमारी के वक्त या हार्ट अटैक जैसे वो जो क्रुशल जो स्टेज होती है, वहाँ आपकी ये जो आपकी चिकित्सा है वो क्या काम कर सकती है? ऐसा था, एक बार एक हार्ट पेशेंट का फोन आया था जी, उसको एकदम हार्ट अटैक आया था और वो उसकी मिसिस ने फोन किया था और उसको खाली कहा गया था केवल हार्ट का ये रीजन है, यहाँ पे -10 ब्रैकेट में काले पेन से लिख लेना। तो उसको पेन रखने तक उसको फायदा हुआ था। अब दूसरे को हो या ना हो, माझा विश्वास बसत नाही गोष्टीवरती, मतलब केवल -10 -10 आणि त्याला कंस करायचा असं लिहिल्यामुळे कार्डियक अरेस्ट म्हणजे हार्ट अटॅक येणाऱ्या पेशंटना रिलीफ मिळू शकतो असं डावर यांचा दावा आहे। उसका उसी वक्त उसको फायदा हुआ था। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको फायदा होगा, लेकिन आपको इलाज तो सब करवाना पड़ेगा। आपके पास अगर कोई सॉर्बिट्रेट नहीं है और आपको तुरंत हार्ट अटैक आ गया, सॉर्बिट्रेट तो उसी वक्त ही बैठ के खाना पड़ता है, ये तो डॉक्टर का जो भी है उसको जेब में यहाँ से रखना, एकदम खाना है बैठ के खाना है। लेकिन ये -10 जो है उसी वक्त उसको फायदा वैसे ही करने का कुछ लाभ ले सकता है, अगर उसको इसका पता हो। ये हाँ, हार्ट का रीजन आप जो बोल रहे हैं ना, ये जो -10 है या -19 +23, ये जो आप जो अंक मुझे बोल रहे हैं उसकी भाषा कौन सी होनी चाहिए? मैं जो लिखने वाला हूं, मैं मराठी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, कन्नड़ में लिखना है, तमिल में लिखना है, क्योंकि हर एक की तो भाषा अलग है, हर एक की लिपि अलग है, तो मैं कौन सी लिपि का इस्तेमाल करूंगा? हमने तो इसमें इसी में फायदा लिया है, इंग्लिश में। लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि ये हमारी भारतीय संस्कृति की देन है। भारतीय संस्कृति है, लेकिन ये -10 लिखने से हमको फायदा हुआ है। इसके अंदर हम अगर वो दूसरे जो बीमारी है उसको लाभ लेते लेते देख सकते हैं अपने अनुभव के अनुसार के आपके आपकी जो अंक लिपि है उसमें आपको फायदा हो रहा है, तो वो लिखो, नहीं तो ये लिखो। यानी अगर मुझे इंग्लिश भाषा नहीं आती हाँ। और मैं समझो मैं कन्नड़ में, मैंने पूरी मेरी शिक्षा हो गई है हाँ। मेरी पढ़ाई कन्नड़ में हुई है, तो मैं कन्नड़ में अगर -10 लिखता हूँ, लेकिन रंग आपको वो लगाना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि डिवीजन ये एनर्जी का, कॉस्मिक एनर्जी का डिवीजन है, और वो ही हमारा हाथ पे यहाँ ही क्यों -10 लिखना है? मेरा एक बेसिक क्वेश्चन ये है, मेरा बेसिक प्रश्न ये, सवाल ये है कि आपकी ये जो थेरेपी है, ये थेरेपी सपोर्टिव है? आपका दावा क्या है? सपोर्टिव है, सपोर्टिव है हाँ। ये 100% उसके ऊपर इलाज नहीं है, इलाज नहीं समझ। जैसे कि मुझे हार्ट अटैक की सिम्टम्स आ रही है हाँ। तो मुझे तुरंत हॉस्पिटल में जाना ही चाहिए। मुझे ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ लिख दिया और मैं आराम से सो जाऊं, नहीं, वो नहीं चलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मला असं वाटतं की तुम्ही जे काही सांगताय या सगळ्या गोष्टीला दोन गोष्टी आहेत, एक तर बिलीफ म्हणजे आपला विश्वास त्याच्यावरती असला पाहिजे, आणि दुसरी गोष्ट त्याच्या बरोबरीनं आपण जी रेग्युलर औषधं घेतो डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं आपल्याला जे करावं लागतं ते केलंच पाहिजे। केवळ मी यांच्या रंगानं काहीतरी लिहिलं आणि आता माझा हार्ट अटॅक जाईल असं होणार नाही। मला इसमें आप लाभ ले सकते हैं। अगर आपको मान लो
सिंपल बात है कि आपको पाइल्स का ऑपरेशन कराते हैं जी, अब उसके बाद सूजन आ जाती है, अब सूजन आ जाती है उसके बाद स्टूल पास होने में कितनी पेन होती जी। है आपको केवल इस लंबी उंगली के इस कोने पे आपको एक मूंग का दाना लगा के 3 घंटे में उसकी सूजन वहां की निकल जाएगी। क्या लगाना है? मूंग का दाना टेप के साथ चिपका दिया। अच्छा, या +50 -53 +50 रेड से -53 ग्रीन से आपने ब्रैकेट में यहां लिख दिया तो 3 घंटे के अंदर आपको सूजन वहां की निकल जाएगी। वो सूजन निकल गई तो आपका 80% काम इजी हो गया। तो ये हमारा इस डायग्राम अत्यंत कमाल वाटती है कि केवळ काही अंक आपल्या शरीरावरती विशिष्ट रंगाने लिहिल्यामुळं आपल्या शरीरावर त्याचा परिणाम होतो। मी सहजासहजी या गोष्टीवर विश्वास ठेवत नाही। आत्ता मी काही गोष्टींचा अनुभव घेतला ते मी तितक्याच प्रांजळपणे कबूल केलं की जसं की मगाशी सांगितलं माझ्या डोळ्यातनं पाणी येत होतं थांबलं, मला मगाशी त्यांनी ज्या पद्धतीनं खोकल्याची उभं येत होती ती त्यांच्या एका सिम्पलशा टेक्निकमुळं माझी कमी झाली हे मी मान्य करतो, पण तरीसुद्धा एक त्यांनी अर्थात कबूल केलेलं आहे की ही सपोर्टिव्ह सिस्टीम आहे, हे फुल प्रूफ मेडिकल सायन्स नाही म्हणता येणार। अभी अभी मैंने प्रोग्राम से पहले 40-50 लोगों जो आपके स्टूडियो में थे उनका इलाज किया। आप उनमें से किसी को भी ये पूछिए कि कोई साल का कोई 2 साल का तकलीफ वाला था तो उनको मैंने कोई दवाई नहीं दी और ना ही किसी प्रकार का उनको मेडिकल टेस्ट या सुजेस्ट किया है कि ऐसा कर। तो आपका हेतु बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है। डावर सर मुझे एक बात पूछनी है, जैसे कि आपने कहा कि इंस्टेंट रिलीफ मिलता है तो ये रिलीफ कितनी देर तक उसका असर रहता है? यानी समझो कि मुझे अभी सर दर्द हो रहा है, आपके हिसाब से आपने जो मुझे बताया उसके हिसाब से मैंने कुछ यहाँ पे टच कर दिया तो मुझे मेरा सर दर्द कम हो गया, लेकिन फिर 15 मिनट में अगर सर दर्द होता है तो फिर क्या फायदा? सर ऐसा है, अगर मैं सर्दी में पहाड़ में जा रहा हूँ और कान मेरे खुले हुए हैं और यहाँ से सर्दी तो एंट्री कर रही है, अब सर में दर्द तो ठीक मैंने कर दिया लेकिन फिर एंट्री करेगी फिर आ जाएगा। अगर मेरे को गैस की तकलीफ है, गैस मेरी ऊपर चढ़ रही है और गर्म सर में दर्द तो फिर आएगा। अब गैस ने एक बार तो मेरे आपको पॉइंट से रिलीज कर दिया लेकिन फिर वापस आएगा, तो आपको उसका खाने पीने का जो कारण है उसका निवारण करना, ये सारा सब आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। सपोर्टिव जो है करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। पथ्य पाया जी थी, पथ्य पायली पाई वो तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ठीक। लेकिन ये आपके पास पेन तो है जी, जी ये पेन आपका पूरा का पूरा मेडिकल नॉलेज ना होते हुए भी एक हॉस्पिटल का काम करता है। मला वाटतं की भारतातल्या जगातल्या सगळ्या पेन उत्पादक कंपन्या तुम्हाला स्पॉन्सर करतील, स्पॉन्सरशिप देतील जिस तरह से आप इस पेन का एक अलग इस्तेमाल करने की हमें टेक्निक सिखा रहे। जहां चलती चलता ना था काम तीर और कमान से, वहीं विजय नटवर की होती है बंसी की तान से। अच्छा, इतने घर घर इस मतलब परेशानियों में एक एक घर ने इतना बर्बाद हो गए हैं, इतना परेशान हो गए हैं कि ना तो उसका उपचार हो पा रहा है और ना ही वो दवाइयों से या अपनी जीवन का सांस ले पा रहे हैं। तो हम घरों में जाते हैं, हम देखते हैं कि कैसी बुरी हालत है, अब ख्याल नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। तो उस वक्त हमें अपनी सिर्फ कि मैं पैसा कमा के सुखी हो जाऊं, बाकी सारे का पेट काट लूं, ये बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं इतना लंबा चौड़ा टेस्ट करवाने का और इतने लंबे चौड़े खर्चे करने के बाद कुछ इलाज हो जाए तो मैं फाइल लेके घूमूं अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे को कुछ फायदा ना हो तो मेरे दिल में क्या होगा, और मेरे को कोई एजुकेट भी ना करे कि मेरे है क्या, अगर है भी तो उसका निवारण क्या है। अगर मैं पूरी मिलिट्री के लिए, पूरी पुलिस के लिए, पूरी की पूरी सिक्योरिटी के लिए, जो लोग ज्यादा खड़े रहते हैं उनकी हील में दर्द आना स्वाभाविक है। अब आप देखिए मेडिकल स्टोर में जाके कि सिर्फ हील पेन वाले कितने लोग आते हैं जो सिर्फ आपकी पेन किलर और स्टीरॉयड खाने के लिए मजबूर हैं जी। अब इस पेन किलर और स्टीरॉयड से क्या उसको पता नहीं है कि इसका इलाज है क्या? लेकिन आपको इस पेन किलर के मतलब आप इसके ऊपर क्या सजेस्ट करते हैं, क्या सुझाव देते हैं? मैं आपको ये पेन देता हूँ, आपका हाँ। ये पेन के बारे में बताता हूँ कि अगर कोई भी ऐसी दर्द पेट में है, छाती में है, किसी भी अंग में, एडी में है, या चोट की है या ऑपरेशन की है, इस पेन से आपको इलाज करना है। कैसे? ये पेन से हमारा अगर कोई नया दर्द है तो इन दो उंगली से हो जाएगा। अच्छा। अगर ज्यादा पुराना है तो वो इधर से होएगा। अच्छा, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपको पहले जोड़ पे ही ये उपचार करना है। अब दर्द आपको घुटने में है या कमर में है या एडी में है, हमें वहां पे कुछ छूना नहीं है, चोट लगी है, हड्डी टूटी है,
तब दर्द की कराहट कितनी होती है जी, और उसके वक्त आपको ऑन द स्पॉट इसका फायदा लेना है, तो ये सारी मसल्स इस पेन से आपको केवल चुभोना भी नहीं है, दबाना भी नहीं है, पहले जोड़ के ऊपर रब करना है। अच्छा, सिर्फ ऐसे 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 से रब करना है, और रब कितना है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट के अंदर उसका दर्द चला जाना चाहिए। लेकिन वो पेन ही क्यों, समझो मैंने कोई एक काड़ी ले ली या कोई नुकीला कोई भी मैंने ले लिया और वहां से सिर्फ मैंने उसको रब किया, तो ये है कलर। अच्छा, तो उसके लिए आपको कलर भी चाहिए। ये बॉडी है वातपीत कफ की, वातपीत कफ 3 गीता में हर लाइव और नॉन अलाइव को, हर क्रिया को, हर कार्य को 3 डिवीजन में डिवाइड किया, तो 3 डिवीजन उसी आधार पे ही हमने इसको भी 3 डिवीजन। आप मुझे पहले वो जो मेरा पहला सवाल था, ये कलर थेरेपी मुझे एक बार प्लीज एक्सप्लेन कीजिए ना, कि आपने ये जो इस पुस्तक के ऊपर ये जो लिखा है, ये जो आपने कलर दिए है, ये कलर्स क्या है? डार्कनेस के लिए आपने ब्लैक दिया है सर जी। विंड हमारा लीवर गॉल ब्लैडर है, वो ग्रीन से है। अच्छा, ग्रीन हमारा मतलब पेड़ है, वायु। अब हीट जो है वो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन है, हीट है, लाल है, और वो हॉट हीट है तो गर्म है, और उसके उसने पैदा की हॉटनेस। हॉटनेस जो है वो ब्रेन और स्पाइन है, उसका कलर ऑरेंज है। अब लाइटनेस है, प्रकाश है, और फिर ह्यूमिडिटी। लाइटनेस के लिए अपने व्हाइट रखा है, व्हाइट है, प्रकाश है, लाइट है, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी है स्प्लीन स्टमक, स्प्लीन स्टमक जो है वो हमारा पीलिया होगा तो पीला हो जाएगा सारा, तो उसने काम करना चालू कर दिया, पूरा बॉडी में फैल रहा है। तो हमारी बॉडी के अंदर स्प्लीन स्टमक जो है वो ह्यूमिडिटी रिलेटेड है। तो उसके बाद ड्राइनेस, धातु, धातु है लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, जो लंग्स है उसको तो वो सारी उम्र कितना काम करता है, लेकिन वो मेटल ऐसा है ऊपर वाले की दया से कि सारी उम्र चलता है, और वो लार्ज इंटेस्टाइन भी एक मेटल है जो मरने के बाद भी 2-3 फीट बढ़ जाता है। और इस तरीके से फिर आता है कोल्डनेस, उसको कलर आपने दिया है ब्राउन। ब्राउन अगर आप ब्राउन अगर लंग्स को देखते हो तो ब्राउन मिलता है। अच्छा, अभी किडनी के नेफ्रॉन्स जो है ब्लू कलर के मिलेंगे आपको, हार्ट जो है वो लाल कलर का मिलेगा, अगर कहीं वेरिको वेन्स आ गए तो क्या है कि वो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई देंगी। तो सब लीवर से रिलेटेड है। लीवर मतलब हमारी वही एनर्जी ऑर्गन के अंदर, वो भी कलर वैसे ही है ऑलमोस्ट। अच्छा, वही कलर है उसके। तो समझो मुझे अभी जैसे कि ब्रेन के ऊपर आपसे कोई टेक्निक ले सीखनी है या मुझे कोई थेरेपी लेनी है, तो ब्रेन के लिए आपने जो ऑरेंज कलर का यहाँ इस्तेमाल किया है, तो मुझे ऑरेंज कलर ज्यादा असरदार रहेगा। मतलब ये मेरे को डायग्नोसिस करना है कि वो एनर्जी बड़ी है या कम हुई है। नहीं है तो कम करनी है और पुरानी है तो बढ़ानी है जी। बस उसी के आधार पे ही ये सारी सिस्टम काम कर रहे हैं। बेसिकली आपने इसका एकेडमिकली आपने क्या किया है, उसका स्टडी कैसे किया है, और आपने इसकी कोई पदवी ले ली है, आपके पास डिग्री है? इसका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहीं कोई पदवी की जरूरत नहीं। लेकिन अब जैसे कोल्हापुर में अभी जो नेचुरोपैथी का जो नेशनल लेवल का सेमिनार हो गया, वहाँ आपको बुलाया था जी, तो ऐसे कई सेमिनार्स आपने अटेंड किए होंगे? हाँ, मैंने कई यूनिवर्सिटी में भी इसको इंट्रोड्यूस किया है, कई जगह पे हमने मिलिट्री में भी इसको, और कई जगह पे इसका फायदा लोगों को, लाखों लोगों को मिला हो चुका है। अच्छा, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ छोटी सी बात समझनी है कि आपको केवल उंगली के ऊपर रब करना है, दर्द कोई भी आएगी। अब यहाँ से नीचे का है तो पैरों में कर लो, और यहाँ से ऊपर का है तो हाथ में करो, राइट का राइट में, लेफ्ट का लेफ्ट में। अगर लोअर पिंडली में दर्द है तो पांव की उंगली के पहले नाखून वाले जोड़ के ऊपर आपने सिर्फ रब करना है इसको 1-2 मिनट के लिए, आपको तुरंत पांव का दर्द निकल जाएगा। मैं कोई चमत्कार नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं साइंस के आधार पे आपको दे रहा हूँ जो चीज़ ज्ञान, ये सिर्फ साइंस के आधार पे है, और ये साइंस कॉस्मिक एनर्जी है, और वही एनर्जी की डिवीजन ही मैं करके। किशोर जी, मुझे लगता है कि ये एपिसोड देखने के बाद कई लोगों के मन में इसके बारे में कई सवाल होंगे, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्यों ना आप कोल्हापुर में डावर सर का एक एक हफ्ते भर का प्रोग्राम, जिसमें लोगों के लिए वो स्पीच देंगे, व्याख्यान देंगे, और अभी जो इन्होंने बताया आधे घंटे में, वो जैसे सर बोलते हैं कि ये समाज के हित के लिए मैं कर रहा हूँ, इसमें उनका कोई खुद का व्यापार नहीं है, उसमें कोई उनको पैसा कमाना नहीं है, इतनी निर्मल मन से वो इस काम कर रहे हैं, तो आप कोल्हापुर में ऐसा कुछ एक सेमिनार क्यों नहीं रखते? हाँ, मैं इनको लेके आ सकता हूँ, ऑर्गेनाइज, मैं यहाँ का नहीं हूँ तो आपका चैनल करे, हम करेंगे, यस डेफिनेटली हम आएंगे, मैं इनको लेके आऊंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ,
और आप करेंगे, आप 7 दिन का बोलेंगे, 10 दिन का बोलेंगे, हम बिल्कुल पूरी आपका रखे इधर को करेंगे। और दूसरा ऐसा है कि जो अगर कोई ऐसी संस्था आती है सामने जो कि सेवा के भाव से आती जी, है बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हम उसके वहाँ पे स्टाफ कोई एजुकेट करना चाहते हैं तो वो सिखा देंगे उनको। लेकिन वो सिखाने के लिए कितना वक्त लगता है आपको? हमें 2-4 दिन लगेंगे। अच्छा, और एक दिन में कितना घंटा? अपने स्टूडेंट हैं हम, उनको पहले एक कैंप हो जाए जिसमें उनको थोड़ा ज्ञान मिल जाए और उनको प्रैक्टिकल अवेयरनेस नॉलेज मिल जाए। लेकिन आपको ये जो अंक और रंग चिकित्सा है जी, ये दोनों सर अलग अलग है, रंग चिकित्सा अलग और अंक चिकित्सा एक, दो पोलैरिटी पे दुनिया चल रही है, रंग और अंक एक ही पार्ट है। अच्छा, एक सिक्के के दो नंबर के द्वारा ऊर्जा को घटा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, कई बार ये प्लस लिख रहे हैं कई बार माइनस लिख रहे हैं, तो माइनस घटाना और प्लस बढ़ाना, और कौन सा नंबर लिख रहे हैं वो कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी का दूसरे से किसके प्लस माइनस किसका और एलिमेंट का दूसरे से क्या क्या है किशोर जी, हमारे यहाँ स्टूडियो में न्यूमरोलॉजिस्ट श्वेता जुमानी जी भी कई बार आ चुकी है, लेकिन श्वेता जुमानी उनका अंकशास्त्र भविष्य के लिए यूज करती है, तो आपका जो ये अंकशास्त्र है ये सेहत के लिए, आरोग्य के लिए, आरोग्य के लिए। अच्छा, तो लेकिन अंकशास्त्र है, ये अंकशास्त्र ही है, हम भी हर चीज के ऊपर मतलब हम ज्यादा नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये खुद ही इतना बड़ा वाइड रेंज है कि इतना सा समझ लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाती जी। तो इतना सा है कि इस पेन को मैं जैसे बता रहा था, बात दूसरी चली गई कि आपको केवल रब करना है, अगर आपने इधर रब किया और बाजू का दर्द चला जाना चाहिए, अगर आगे का नहीं तो पीछे वाले हिस्से में आप रब कीजिए, अगर पैरों का है तो यहाँ पे कर ले, मतलब इधर से करेंगे नहीं अगर बीमारी है तो, या फिर इधर कर ली, अगर चारों में कर भी लिया कोई नुकसान नहीं, अगर चारों में ठीक नहीं होता मतलब आगे और पीछे रब किया आपने, घुटने का दर्द है मैं लगा हूं, कमर का दर्द है मैं लगा हूं, 2 मिनट में नहीं ठीक हुआ, तो ये मास्टर पॉइंट है। अच्छा, ये जो आगे पीछे की चमड़ी अंगूठा जो है अपना, अंगूठे का पहला जोड़ हाँ। आगे की और पीछे का पहले, ये मास्टर पॉइंट है, मतलब पैरों का भी अंगूठे का जो हिस्सा है उसके आगे पीछे की चमड़ी जो मिलती है पहले जोड़ पे, वहां पे कर लीजिए, यहाँ जिसका भी करेंगे आप उसका तुरंत फायदा होगा। ये एक्यूप्रेशर से थोड़ा मिलता जुलता नहीं है? एक्यूप्रेशर से सब हम नॉलेज इसके अंदर इतनी ऐसी है कि एक दूसरे से रिलेटेड ही है सब कुछ, हम एक दूसरे के ही देख रहे हैं कि जन्मदाता है। इसकी स्टडी आपने कैसे की? ये कई जगहों पे जा जा के हमने इसका थोड़ा थोड़ा अंश जब मिला तो उसको ही हम बांटने में लगे हुए हैं, तो अभी ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो चुका है और काफी अच्छा इसका रिजल्ट देख रहे हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसको स्वीकृत किया गया है? पब्लिक ने तो बहुत स्वीकृत किया है। अच्छा, इसके बड़े बड़े लोगों ने इसे, जैसे कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, हमने PMO को भी और डिफेंस को भी और हेल्थ मिनिस्टर्स को भी और साथ में कई इंटरनेशनल एकेडमीज को भी ये और यूनिवर्सिटीज को भी ये सब बताया है, इसका फायदा सबको पब्लिक को जल्दी से जल्दी देना चाहिए जो आना चाहता है, जैसे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, WHO है, तो ये इस शास्त्र को मानती है क्या? नहीं, WHO ने एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर को मान्यता दे रखा है एज ए थेरेपी, वो चल रहा पूरी दुनिया में, भारत में सब लोग कर रहे हैं, पिछले 40 साल से थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है, और अपने महाराष्ट्र के अंदर 1-3 साल से गवर्नमेंट ने भी ध्यान दिया है, गवर्नमेंट ने आई थिंक नेचुरोपैथी को ध्यान दिया है, नेचुरोपैथी और एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर के ऊपर भी उन्होंने, क्योंकि नेचुरोपैथी में कई सारे इंटरनल उसके सब डिविजन है बराबर, लेकिन एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का भी उन्होंने काउंसिल फॉर्मेट करने का प्लानिंग चालू है। अच्छा, और अपने इससे पहले हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने प्रयास, अभी जो आयुष मंत्रालय जो बना हुआ है श्रीपाल नाइक जो मिनिस्टर है तो उनके उनके अंदर ही आता है क्या नेचुरोपैथी? हाँ, उसके अंदर आयुष में नेचुरोपैथी एक पार्ट हो गया, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी उम्मीद है बहुत जल्दी और अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी पब्लिक को हर चीज इतना बताना होता तो क्या हुआ था, जब तक इसको गवर्नमेंट मान्यता नहीं तब तक इसको पूरे नहीं कह सकते ये करने से ये होगा ही जी। तो एज ए अल्टरनेट इसको आप अप्लाई कीजिए, जो कर रहे हैं वो करिए, लेकिन जब तक आपको हॉस्पिटल पहुंचना है तब तक इसको अप्लाई सपोर्टिव थेरेपी सपोर्टिंग, तो शायद आपको बड़ा ऑपरेशन ना कराना पड़े वहां जाकर, डायग्नोस में वो आपको वो प्रॉब्लम ना आए, नहीं तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर चेकअप कराएंगे तो कुछ ना कुछ आपको रहती है, क्योंकि हर समय एनर्जी बढ़ती और घटती है सर जी। कि जैसे अभी हम
मिलिट्री को देखते हैं कि वो हर रोज 15-20 किलोमीटर उनको पहाड़ों पे 20 किलो वजन लेके चलना है, या कहीं यात्रियों को पहाड़ों पे जाना है तो सांस चढ़ता है, तो केवल आप मोटर बाइक का एक छल्ला बना लो, ट्यूब का छल्ला आप हाथ पे लगा के रखेंगे, उसके साथ थोड़ा सा बॉडी टाइट रहना चाहिए, जहाँ आपको तकलीफ हो उसकी जगह बदलते रहो, तो आप देखेंगे कि 20 किलोमीटर आपको चलने में ना थकावट हुई ना सांस हुई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज घर घर में एक बड़ी मुश्किल हुई पड़ी है कि बच्चेदानी के अंदर गांठें आ जाती हैं लेडीज को, या वो फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं जी, तो वो फाइब्रॉइड कैंसर बन जाती हैं, तो उसके अंदर हम लोग मतलब अपनी माँ बहनों को बड़ी तकलीफ हो रही जी। तो एक छोटा सा प्रयोग है जो करना चाहो तो जी, तो कोई भी गांठ हो, फाइब्रॉइड्स हो, लोहे को जैसे लुहार लोग सड़क के ऊपर गर्म करते हैं, लोहे को गर्म करते हैं कोयले पे, उसको लाल करके छांट लो जी, उसके बाद उसको साफ पानी में डाल दो, पीने वाले पानी में, उसको पानी में, वो पानी उसकी दवाई हो गई, उसको पहले थोड़ा आधा कप पियो, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा के जितना प्यास है उतना पानी पियो, 2-3 महीने के अंदर जो गांठे फाइब्रॉइड्स बन गई थी, जो कैंसर बनने वाली थी या जो बहुत विकराल स्थिति आने वाली थी, वो आपकी शायद आपको 1-2 महीने में आपको गांठे नहीं नजर आएंगे, यानी उससे आयरन या लोहा जो है वो मिलता है शरीर को जी, कोई भी गांठे हो शरीर में आप निकाल सकते हैं उससे। मला वाटतं यांच्याकडे इतके वेगवेगळे व्याधींवरचे उपाय आहेत आणि जे सहजासहजी आपण करू शकतो असे उपाय आहेत, तेव्हा मला असं वाटतं की यांच्यावरती एक वेगळी सिरियल मला करावी लागेल। और मैं दावर सर आपको लेडीज को जो बाय चांस हम आपको इतना ही कह सकते हैं कि अगर आपको ये हमारा देखो सिंपल सी बात है कि मतलब वे संपत चला है पण इतके इंटरेस्टिंग बोलता है ये पुनः तो ऐकावंस वाटतं नहीं, मैं आपको इतना ही कह रहा हूं कि दो लाल बिंदी जो जोड़ है उस पे लगाया, ये लेडीज को जो महीना खराब हो रहा है उनके लिए बहुत जरूरी है, यहाँ पे हरा और यहाँ पे हरा, ये दो लाल दो हरी बिंदी लगाने में लेडीज का महीना ठीक होना ही चाहिए रोज, मतलब उसका महीना ठीक नहीं होगा उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, तो उसके लिए वो बताएगी नहीं और लाखों रुपए खर्चा करके जिंदगी खराब कर देगी, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हाँ आप पीपल का एक पत्ता नरम वाला मीडियम साइज का पतला मतलब नरम वाला एक पत्ता 1-1.5 महीना खाने से, किसका पत्ता, पीपल, अच्छा पिंपल, उसको हम रोज भगवान है वो तो उसको पूजा करते हैं मंदिर में जी, जी। तो पीपल के पत्ते को आप 1-1.5 महीना खाएंगे, उसका डंडी चोटी तोड़ के खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, नहीं तो ये लाल रंग लगा लीजिए, हरा रंग, दो लाल दो हरी बिंदी, तो महीना ठीक होना बहुत जरूरी है। आप फाइब्रॉइड से लेके शुगर तक और जोड़ों की बीमारी से लेके सरदर तक हर एक के ऊपर आपके आपके पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऊपर वाले के हाथ में है, हम तो जो जानते हैं वो आप सिर्फ उसको रास्ता दिखाते हैं। क्या बात है, मला वाटतं आजचा एपिसोड मी इथं थांबवतो, खूप बोलण्यासारखं आहे, मी डावर सरना पुन्हा एकदा बोलवणार आहे, आत्ता मी सांगितलं त्यानुसार कोल्हापूरमध्ये आपण नक्की त्यांचं एक सेमिनार अरेंज करूया आणि त्यांच्या या ज्ञानाचा लाभ आपल्या सगळ्या जनतेला व्हावा असा प्रयत्न करूया। तुर्तास या दोन्ही मान्यवरांचे मनापासून आभार, पुढच्या सोमवारी पाहायला विसरू नका आणखीन एका विषयावरील चर्चा संवाद प्रतिवादमध्ये। बीटीव्ही नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात चॅनल बी, प्रतिबिंब जनमनाचं।